तो इस वाले वीडियो में कंपेयर करेंगे, मेरे पास है सैमसंग का गैलेक्सी A34, मेरे पास है वीवो का V27, एंड दोनों को कंपेयर करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। हम कैमरा के बारे में पहले बात करेंगे। आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट करोगे तो हार्ट मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कैमरा स्पेक्स की बात करूँ ना, जो सैमसंग का गैलेक्सी A34 है, यहाँ पर ये थोड़ा सा पुराना सेंसर के साथ आता है। ये सैमसंग का खुद का 48 मेगापिक्सल जो पहले आया था रेडमी के नोट 7 प्रो के टाइम का, आई थिंक वही वाला सेंसर यूज़ किया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 13 मेगापिक्सल फ्रंट देखने के लिए मिलता है। वीवो का V27 50 मेगापिक्सल मेन शूटर के साथ आता है, सोनी का IMX766 OIS, यहाँ पर भी OIS मिल जाता है आपको मेन सेंसर में। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का बेकार का मैक्रो, एंड फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। तो हमने ब्रॉड डेलाइट कंडीशन में स्टार्ट किया, एंड रियर का जो मेन सेंसर है वो दोनों का अच्छा तो देखने के लिए मिल जाता है, बट क्योंकि सैमसंग का बहुत पुराना हो गया ये वाला सेंसर, तो ये थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर की दिक्कत है। नॉर्मली सैमसंग के पोस्ट प्रोसेसिंग में सब कुछ जो है ठीक ठाक हो जाता है, एंड जो है इमेज ओवर एक्सपोज नहीं होता है, डायनामिक रेंज भी फिक्स हो जाता है, बट यहाँ पर ओवर एक्सपोजर की दिक्कत जो है पिक्सल्स में डेफिनेटली देखने के लिए मिली। इवन अगर ह्यूमन शॉट भी अगर लोगे ना, तो वहां पर अगर डायरेक्ट सनलाइट, हार्श सनलाइट आ रही है तो ओवर एक्सपोज करेगा सैमसंग थोड़ा सा। हमने यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड लिया, तो 2x पोर्ट्रेट मोड के साथ आता है वीवो का V27, यहाँ पर नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड है, पर दोनों ने बहुत अच्छा जो है पोर्ट्रेट मोड को क्लिक किया, बट फिर से ओवर एक्सपोजर की मैं दिक्कत कहना चाहूंगा सैमसंग का जो A34 है उसके साथ। थोड़ा सा अगर डायरेक्ट सनलाइट में लोगे तो ओवर एक्सपोजर का दिक्कत आएगा। एक्चुअल में पोर्ट्रेट मोड दोनों ने बहुत अच्छा जो है क्लिक किया है, बट मैं वीवो का जो है इसे चूज करना चाहूंगा पोर्ट्रेट मोड के लिए। फ्रंट कैमरा दोनों का अच्छा देखने के लिए मिलता है, बट आप 50 मेगापिक्सल को कंपेयर कर रहे हो 13 मेगापिक्सल से, तो मैं यहाँ पर मुझे जो डिटेलिंग जो है वो मुझे V27 का बेटर लगा, तो V27 से आप बेटर सेल्फीज जो है क्लिक कर सकते हो। इवन नाइट इमेजेस भी अगर आप लोगे ना, तो नाइट में बेटर इमेजेस क्लिक करता है। इंडोर लाइटिंग कंडीशन नाइट इमेजेस जो आपको वीवो V27 का फ्रंट कैमरा बेटर क्लिक करके देगा, एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉफ्ट इमेजेस आती है जो सैमसंग का गैलेक्सी A34 है। जब इंडोर लाइटिंग में लेंगे, लो लाइटिंग में लेंगे, तो सॉफ्ट इमेजेस आती है। नेक्स्ट मैंने नाइट मोड को भी कंपेयर किया, तो नाइट मोड बहुत ज्यादा बेहतर था वीवो का V27 जो था, आउट परफॉर्म कर रहा था सैमसंग गैलेक्सी A34 को, बहुत ज्यादा लाइट को गैदर कर सकता है, एंड बहुत बढ़िया जो है नॉइस कंट्रोल भी कर लेता है, एंड डिटेलिंग जो है कॉर्नर्स में अगर आप देखोगे तो ज्यादा जो है डिटेलिंग आपको वीवो के V27 के नाइट मोड में देखने के लिए मिल जाएगा कंपेयर टू A34। वीडियो क्वालिटी दोनों का सही देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में दोनों ही 4K 30fps कर सकते हैं, तो फ्रंट कैमरा दोनों का ही 4K 30fps कर सकता है, एंड अगर आप देखोगे तो दोनों का मुझे वीडियो क्वालिटी जो है डिसेंट लगा है। दोनों में OIS चलता है, रियर कैमरा जो वीडियो क्वालिटी है वो भी दोनों का जो है सही देखने के लिए मिल जाता है। तो कैमरा में अगर दोनों में चूज करने के लिए बोलोगे, एक नए सेंसर के साथ आता है सोनी का IMX766, एंड फ्रंट में भी आई ऑटो फोकस 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, एंड ये एक्चुअल में परफॉर्म भी करता है, बेटर एक्सपोजर को हैंडल करता है, बेटर डिटेलिंग आपको देखने के लिए मिलती है, कंसिस्टेंट भी है इसका कैमरा, तो मैं यहाँ पर ओवर सैमसंग में वीवो V27 को चूज करना चाहूंगा। वीवो के कलर्स थोड़े से बूस्टेड आते हैं, एक नेचुरल कलर मोड मिलता है, उसे ऑन कर दोगे तो थोड़ा सा जो है टोन डाउन हो जाएगा कलर, वो आप चेकआउट कर लेना, एंड AI जो इसका सीन रिकॉग्निशन है उसे भी आप बंद करके फोटोज ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं दोनों के डिस्प्ले को कंपेयर करूं, तो एक में ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है, दोनों का स्क्रीन साइज ऑलमोस्ट 6.7 इंच का देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर ड्रॉप नॉच है 30,000 के एक स्मार्टफोन में सैमसंग गैलेक्सी A34 में, यहाँ पर पंच होल मिल जाता है, एंड यहाँ पर कर्व डिस्प्ले दे रहा है आपको वीवो का जो V27 है, अंडर 30,000 अगर ऑफर लगा के मिल जाता है तो यहाँ पर कर्व डिस्प्ले का आप जो है मजा ले पाएंगे। 120Hz का दोनों का रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिल जाता है, एंड दोनों में HDR कैपेबिलिटीज नहीं है यहाँ पर, एंड वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं दोनों का मुझे अच्छा लगता है। वीवो का थोड़ा सा जो है ज्यादा ब्राइट, आप आउटडोर में भी जाएंगे तो ज्यादा आपको जो है बूस्ट करता है ये ब्राइटनेस, 1300 nits का आपको पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाता है। सैमसंग भी बहुत ज्यादा अच्छा विजिबल है, एंड दोनों के कलर्स जो कॉन्ट्रास्ट है, जो शार्पनेस है, एंड जो कोई भी ब्लैक क्रशिंग का इशू नहीं है, व्यूइंग एंगल्स बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं, आप वीडियो साइड बाय साइड देख सकते हैं, एंड दोनों में HDR कैपेबिलिटीज नहीं है। नेटफ्लिक्स में आप जाएंगे तो दोनों में आप जो है HDR वीडियोस नहीं देख सकते हैं। मेरे पास एक फोन है 17,500 का IQ का Z7, वहां पर आप नेटफ्लिक्स में जो है HDR10 वीडियोस देख सकते हैं, तो ये दोनों HDR कैपेबिलिटीज के साथ नहीं आते। नेक्स्ट अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, इन हैंड फील की बात करूं ना, सैमसंग का जो स्मार्टफोन है A34 बहुत चौड़ा एक स्मार्टफोन है, एंड ये हाथों में बहुत ज्यादा चुभता है, बहुत ज्यादा जो है चौड़ा वाला एक डिस्प्ले, जो कि पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। वीवो V27 थोड़ा सा लंबा है, बहुत ज्यादा स्लिम है कंपेयर टू A34, जो इसके फ्रेम है ना बहुत मोटे देखने के लिए मिलता है, ये पतला है, एंड ये थोड़ा सा लंबा डिस्प्ले है, टॉलर डिस्प्ले आप कह सकते हैं, एंड ये बहुत चौड़ा डिस्प्ले है। पर्सनली मुझे वीवो V27 का ज्यादा पसंद आया, इन हैंड में जो फीलिंग आती है वो ज्यादा अच्छी आती है, एंड हल्का भी है, दोनों ही हल्के हैं, बट क्योंकि ये चौड़ा ज्यादा है ना तो हाथों में बहुत ज्यादा चुभता है, एंड मुझे चौड़े डिस्प्ले पसंद नहीं है, थोड़ा सा लंबा होता या थोड़ा सा छोटा होता तो भी चल जाता। बिल्ड क्वालिटी का एक्चुअल में अगर बिल्ड क्वालिटी बताऊं ना दोनों का, तो यहाँ पर जो सैमसंग गैलेक्सी A34 है ज्यादा रोबस्ट एंड ज्यादा अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, एंड पीछे में भी प्लास्टिक है, एंड जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक है, बट सॉलिड बिल्ड क्वालिटी हाथ में लगती है, एंड यहाँ पर पीछे ग्लास है, AG फ्लोराइड ग्लास है, ये कलर चेंज कर सकता है, एंड यहाँ पर जो प्लास्टिक का फ्रेम है वो चीप क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है वीवो की तरफ से, एंड बैक कवर भी यूज करोगे अंदर थोड़ा सा भी धूल जाएगा, थोड़ा सा भी आउटडोर में यूज करोगे ना इसका फ्रेम बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाएगा, कंपेयर टू A34 इतने ज्यादा स्क्रैचेस जो है नहीं पड़े। मैं
आउटडोर में यूज कर रहा हूँ, तो ये ज्यादा रोबस्ट है, इसकी जो फ्रेम की क्वालिटी है इससे तो बेटर देखने के लिए मिलती है कंपेयर टू वीवो का V27। एक्सेसरीज चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कुछ अलग चीजों के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसे चीजों के बारे में आप बात करेंगे जो एक्सपीरियंस को एनहांस करेगा। 5G बैंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 5G के बैंड्स मिल जाते हैं। N41 N77 मिसिंग है यहाँ पर, बट अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे। यहाँ पर 9 5G बैंड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर है। यहाँ पर सिंगल स्पीकर मिल जाता है जो कि लाउड है, फेयर इनफ है, बट डुअल स्टीरियो स्पीकर जैसा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। हैप्टिक फीडबैक यहाँ पर बुरा ही देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर भी हैप्टिक फीडबैक बुरा ही देखने के लिए मिलता है, बट दोनों में से कंपेयर करोगे तो सैमसंग का आई थिंक थोड़ा सा बेटर देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट हम प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर डायमेंसिटी 7200 देखने के लिए मिल जाता है जिसके स्कोर्स बहुत ज्यादा आते हैं कंपेयर टू यहाँ पर डायमेंसिटी 1080 मिल जाता है। सैमसंग का फोन है फिर भी इन्होंने जो है एटलीस्ट डायमेंसिटी दिया है, बट डायमेंसिटी 1080 से जो 7200 है वो ज्यादा पावरफुल देखने के लिए मिल जाता है। आप स्कोर्स वगैरह देख सकते हैं साइड बाय साइड। एंड मैंने गेमिंग जितना भी किया है, जो 7200 है जो कि वीवो के V27 मिलता है, वो अभी ऑप्टिमाइज नहीं है BGMI के लिए, तो बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स एंड लैग्स देखने के लिए मिलता है कंपेयर टू सैमसंग का गैलेक्सी A34 जो कि सरप्राइजिंगली बेटर BGMI परफॉर्मेंस के साथ आता है एंड ऑप्टिमाइज्ड है एंड अच्छा गेम प्ले देखने के लिए मिल जाता है सैमसंग के गैलेक्सी A34 में। मुझे अच्छा लगा गेमिंग करके सैमसंग गैलेक्सी A34 में जितना भी मैंने BGMI खेला। यहाँ पर अभी ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, बट अगर ऑप्टिमाइज्ड कर देंगे तो आई थिंक 90 FPS का भी सपोर्ट 7200 है तो आ सकता है, बट अगर 60 FPS का भी ऑप्टिमाइज कर देंगे तो आई थिंक फ्यूचर में बेटर हो सकता है। नॉर्मल डे टू डे टास्क में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं। दोनों के सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं, अपडेट साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2+3 का आपको अपडेट मिल जाएगा वीवो के V27 में कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी A34। एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स है, यहाँ पर भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 है। 4 साल के मेजर अपडेट्स के साथ आएगा, तो 14 15 16 17 तक मिलेगा एंड्रॉइड का, एंड 5 साल का सिक्योरिटी पैच, 1 साल और मिलेगा, 5 साल का सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर है One UI 5.1, बहुत सारे फीचर्स है, NFC के साथ ये आता है, IP67 रेटिंग के साथ भी ये आता है। एंड यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर फीचर है जैसे टैप टू पे, सैमसंग पे, सैमसंग का सिक्योर फोल्डर एंड फुल फ्लेज नॉक्स के साथ आता है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं। सैमसंग के अपडेट्स बहुत बढ़िया है, पिक्सल से भी बेटर आप मान सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में इसने धो दिया है कंपेयर टू दिस, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको सैमसंग गैलेक्सी A34 का एक्चुअल में बेटर देखने के लिए मिलेगा। एंड 2+3 जो है अभी नहीं मान सकते, जहां पर एक ब्रांड 4+5 दे रहा है, आप 2+3 नहीं दे सकते, एटलीस्ट आई थिंक 3+4 तो देना चाहिए था वीवो को। नेक्स्ट अगर मैं बैटरी की बात करूं, दोनों का बैटरी बैकअप अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, बट कंपेयर टू वीवो V27 आई थिंक जो सैमसंग गैलेक्सी A34 है यहाँ पर बैटरी बैकअप बेटर देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पर कोई चार्जर इन द बॉक्स नहीं है, आपको चार्जर परचेज करना पड़ेगा। कंपेयर टू वीवो का V27 फ्लैश चार्ज 67 वॉट का फ्लैश चार्ज के साथ ये आता है एंड ये बहुत जल्दी चार्ज कर सकता है, यहाँ पर 2 घंटा लग जाएगा नॉर्मल चार्जर में। एंड अगर आपने 25 वॉट का इसका ऑफिशियल चार्जर परचेज किया तो 1 घंटा 10 मिनट लगता है, बट यहाँ पर आप जो है 1 घंटे के अराउंड 50 मिनट्स में इसे फुल चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग स्पीड जो है वीवो V27 की बेटर है, बट जो बैकअप है बैटरी बैकअप A34 का बेटर है। तो एंड में अगर मैं कंक्लूड करने जाऊं तो दोनों ही अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, बट सैमसंग का अगर आप सैमसंग के फैन बॉय हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बेटर मिल जाता है। 4+5 का आपको ईयर्स का आपको अपडेट साइकिल मिल जाता है एंड अदर चीजों में थोड़ा सा पीछे है, डिस्प्ले में पीछे है, कैमरा में भी पीछे है, जो कि सरप्राइजिंगली मुझे लग रहा था कैमरा इसका अच्छा होने वाला है, बट वीवो V27 ने आउट परफॉर्म किया है इसे कैमरा में। एंड बिल्ड क्वालिटी एंड जो डिस्प्ले है उसमें बेटर देखने के लिए मिल जाता है वीवो का V27, बट दूसरे सारे चीजों में एक्चुअल एक्सपीरियंस में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, 5G बैंड ज्यादा आपको मिल जाते हैं, IP67 के रेटिंग के साथ आता है, NFC मिल जाता है, टैप टू पे, सॉफ्टवेयर फीचर्स ज्यादा है। तो ये सारी चीजें कौन सा आपको मैटर करता है, अच्छा डिस्प्ले मैटर करता है तो वीवो लेना, अच्छा कैमरा मैटर करता है तो वीवो लेना, सॉफ्टवेयर मैटर करता है एंड सैमसंग के फीचर्स मैटर करते हैं तो आप डेफिनेटली A34 ले सकते हैं। तो ये रहा मेरा कंक्लूजन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।